फ्रेड रिक्स जो है ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही इज प्रोपाउंडर ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच. अगर पूछा जाए कि इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, उसमें भी ये थ्योरी आप बता सकते हैं. सो 1962 में ही रोट हिज बुक एंड द नेम ऑफ द बुक इज द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ही थ्रू लाइट ऑन वेरियस रिलेशनशिप्स एंड इंटरैक्शंस ऑफ सोशल इकोनॉमिक इंटरैक्शंस विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इस बुक में ज्यादा डिस्कशन जिस चीज पर हुआ है वो डिस्कशन हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर किन एक्सटर्नल चीजों का इम्पैक्ट होता है. तो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रिया एग्रेरिया मॉडल बाय रिग. फ्रेड डब्ल्यू रिग्स रोट एन एसे जिसका नाम था एग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया. सो दिस मॉडल टॉक्स अबाउट दीज थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी. सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है एग्रेरिया. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है दैट एग्रेरिया टॉक्स अबाउट सोसाइटीज विच आर एग्रेरियन इन नेचर और मे बी विच आर अंडर डिवेलप्ड और डिवेलपिंग. क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो फर्क है डिवेलप्ड और डिवेलपिंग वर्ल्ड में वो बेसिक ये है कि जो डिवेलप्ड वर्ल्ड है वो इंडस्ट्रियल एंड मॉडर्न इन नेचर है और जो डिवेलपिंग एंड अंडर डिवेलप्ड है वो अभी तक एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है. सो जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज होगा, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा कंट्री, उतना ही उसके चांसेस होंगे कि वो उसका डेफिनेटली इकोनॉमी बेहतर हो और फिर वो डिवेलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड हो.